आज के जमाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शासन सत्ता के घमंड में इंसानियत भी भूल जाते हैं। जी हाँ, एसडीएम मीरगंज ने फरियादी को बनाया मुर्गा। पिछले साल 7 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय सिविल सेवा पीसीएस के ट्रेनी अफसरों से मुलाकात की। तब उन्होंने पीसीएस अफसरों को राज्य प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ बताया था। साथ ही नसीहत दी थी कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और गरीब के प्रति सहानुभूति रखें। लेकिन जनाब, आजकल सहानुभूति तो बची ही नहीं है। कुछ अफसरों ने शायद इसका उल्टा सबक सीख लिया और गरीब के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली। इसकी वानगी है बरेली की मीरगंज तहसील में हुई शर्मनाक घटना। इसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एसडीएम मीरगंज फरियादी पप्पू से इस कदर नाराज हुए कि उसका प्रार्थना पत्र फेंकते हुए उसे मुर्गा बनाने का फरमान जारी कर दिया। जी हाँ, ये तो लग रहा है कि किसी विद्यालय के टीचर लग रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों से घिरे तहसील के इतने बड़े अफसर के सामने मजबूर पप्पू को जबरन मुर्गा बनना पड़ा। मामला सामने आने के बाद एसडीएम मीरगंज उदित पवार को हटा दिया गया। डीएम बरेली शिवाकांत द्विवेदी ने कहा, प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई है, उन्हें एसडीएम मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। 42 साल का पप्पू मीरगंज थाना क्षेत्र के मंडनपुर गांव का रहने वाला है। उसके मुताबिक गांव में शमशान की जमीन पर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा कर लिया है। उसे मुक्त कराने के लिए वह लगातार प्रयासरत है। उसने एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया। जब उसने कहा कि दो बार आ चुका हूँ, तीसरी बार आया हूँ, मैं कब तक यहाँ पर आता रहूंगा, लेकिन जब मेरा काम नहीं होगा मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। इस पर एसडीएम साहब आग बबूला हो गए। उन्होंने अभद्रता करते हुए उसे मुर्गा बनने को कहा। अब इसे सामंती मानसिकता कहें या खुद जज बनने की प्रवृत्ति, लोकतंत्र की बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। पप्पू लोधी ने कहा है कि मुझे बेइज्जत किया गया, सरेआम अपशब्द कहे गए। जो भी जमीन का मामला है उसमें सही से जांच होनी चाहिए। जब हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम बार बार आएंगे, लेकिन एसडीएम ने कागज फाड़ कर फेंक दिया। न्याय पाने के लिए मुझे कितनी बार मुर्गा बनवाए, लेकिन मैं यहाँ पर बनता रहूंगा, मैं आता जरूर रहूंगा। तो आपको बता दें, आज के जमाने में कुछ लोग अपनी शासन सत्ता के रौब में सब कुछ भूल जाते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।